सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के बेतवा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। खबर मिल रही है कि बेतवा नदी में हजारों आधार कार्ड तैरते हुए पाए गए, जबकि कुछ कागजात नदी के किनारे पड़े पाए गए। आधार कार्ड लोगों को वितरित करने के लिए जो नियम है उसके मुताबिक आधार कार्ड केंद्र से बनकर डाकघर आता है, उसके बाद डाकघर उन्हें लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन ये आधार कार्ड बेतवा नदी तक कैसे पहुंच गए, ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के बेतवा के, किस तरह से बड़ी संख्या में आधार कार्ड नदी में तैरते हुए नजर आए, और आसपास जो इलाका है वहां पर भी कई कागजात पड़े हुए नजर आए हैं। कुछ कागजात जो है नदी के किनारे पड़े हुए मिले, ये देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने ये जानकारी प्रशासन को पहुंचाई है। मामले की जांच शुरू की, आखिरकार लावारिस आधार कार्ड यहां पर कैसे पाए गए।